आपको दर्पण कोच में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर रीजनिंग का सवाल आप लोग के लिए लाए हैं। रीजी है ना, रीजनिंग है ना, तो आप है ना, तो आप इसको समझ लीजिए और बढ़िया से बनाइएगा रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग। तो देखिए, हम आपको बड़े बड़े टॉपिक लेके आए हैं। वेन आरेख है ना, महिलाएं वकील मैनेजर है ना। अब देखिए, इसमें कौन होगा इसका सही उत्तर, सटीक उत्तर, बहुत बेस्ट उत्तर। तो गाइस, हम समझते हैं कि आप समझ रहे हैं। और देखिए, महिला होता है, वकील भी होता है, मैनेजर है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही महिला वकील और मैनेजर हो जाएगा, अलग अलग रह सकता है। तो देखिए, कुछ महिला जो है वकील भी होती है ना, और उसी में कुछ क्या होती है, मैनेजर भी। तो आपको सवाल का जवाब या डी वाला होगा, सी वाला होगा है ना, जो बहुत सटीक है। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि 8, 4, 5, 6 है, उसके बाद बीच में 23 है। दूसरा सवाल नंबर आप देख रहे हैं कि 27 है, और यहाँ क्या देखते हैं कि खाली है, 12 है, 6 है और 8 है। तो ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 8, 14, 14, 5, 14, 5 कितना होता है, 19, 19, 5, 4, 23। तो देखिए जोड़ के लाया है, उसी प्रकार से इसको जोड़ते हैं हम कि 7, 7, 6, 13, 13, 4 कितना हो गया, 17 है ना, और 10 कितना हो जाएगा, 27 आया। तो इसमें क्या आएगा भाई, तो उसी प्रकार से जस्ट लाइक 2 में हम मिल रहा है, तो वही क्रिया को यहाँ भी हम दोहराएंगे। और यहाँ पर हम जोड़ते हैं कि 12, 6, 18, 18, 8, 26 है ना, 18, 26 होता है ना जी, 26 और 5, 31 है ना, क्या होगा इसमें 31 हो जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से सवाल नंबर 3 पर हम फोकस डालते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। तो यार 9 है, उसके बाद 28 है, उसके बाद 65 है, उसके बाद 126 है, उसके बाद अगला अंक क्या होगा है ना। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको, 217 है ना, 320 है ना, 250 और 217। इसमें कौन जवाब आपका सटीक बुझा रहा है, आप सोचिए है ना। तो हम लगाते हैं कि कुछ हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको कि घन घनाव है ना, और जोड़ घटाव गुना भागा की क्रिया के द्वारा ये कुछ संपन्न होता है। तो यहाँ देखिए वैसा ही में कुछ होगा प्यारे, तो हम 2×2 करते हैं, 2×2×2 तो होता है 8 है ना, 2×2×2 मैंने कि 2 का क्यूब प्लस 1 कर देते हैं तो 9 हो जाता है, 3 का क्यूब कर देते हैं तो 27 हो जाता है, और प्लस का 1 करते हैं तो 28 हो जाता है। उसी प्रकार से हम 4 का क्यूब करते हैं तो कितना आएगा, 4 का क्यूब होगा 64, और 1 जोड़ते हैं उसमें तो होगा 65। उसी प्रकार से हम 5 का क्यूब करेंगे, उसमें 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 126 है ना। तो उसी प्रकार से हम 6 का क्यूब करेंगे तो होगा 6×6=36, और 36 का हम 216, और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17। तो 217 कहाँ आ गया, तो यह कॉलम नंबर 1 में है ना। तो हम समझते होंगे कि ये सवाल को भी आप बढ़िया से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट सवाल की ओर फिर ध्यान आपको आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ देखिए कि क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है ना। तो देखिए, ए है जो 2 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब है ना, प्लस का
जो करते हैं आठ आठ होने तो आठ दो दस होने गया, उसी प्रकार से तीन का क्यूब कर देते हैं है ना, तो नौ सत्ताईस दो कर देते हैं तो हो गया उनतीस, उसी प्रकार से इसमें छियासठ है तो चार का क्यूब करते हैं चार का क्यू है ना, प्लस का दो करते हैं तो होता है छियासठ, तो अभी क्या होगा तो पाँच का क्यू और प्लस का दो है ना, तो होगा दो सौ एक सौ एक सौ सत्ताईस है ना, कितना होगा एक सौ सत्ताईस। तो हम समझते हैं ये सवाल को भी आप बढ़िया समझ गए होंगे और परीक्षा में आने पर आप आसानी से इसको बना लीजिएगा। अब सवाल नंबर देखिए नेक्स्ट पाँचवा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ना, इसमें देखिए यहाँ छः है तो यहाँ बारह है, यहाँ बीस है, यहाँ तीस है। आप समझने वाली बात ये है कि एक कैसे सीरीज बन रहा है, इस पर हम थोड़ा गौर करते हैं। तो हम फाइंड आउट करते हैं कि देखिए दो गुने कर दिया तीन, दो गुने क्या कर दिया है तीन, तो तीन दुना छः हो गया, और तीन गुने चार करते हैं तो बारह हो जाता है, उसी प्रकार चार गुने पाँच कर देते हैं तो बीस हो जाता है, तो यहाँ पाँच गुने छः करेंगे तो आ जाएगा तीस, तो अभी क्या होगा छः गुने सात कर देंगे सच्छा बयालीस हो जाएगा, तो बयालीस देखिए इसमें कौन में है तो यह बयालीस है ना का जवाब है जो ए में दिया हुआ है ना। तो हम समझते होंगे कि यह सवाल को भी आप बड़े समझ गए होंगे और परीक्षा में आने पर इसको आसानी से आप बना लीजिएगा। जय हिंद जय भारत, फिर